आप सब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक सवाल है, चाहे रजना हो, सुनवा हो, मनुआ हो, झिनकनवा हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे सवाल है कि आप बताओ सुपरस्टार किसे कहते हैं जिसके गाना पे सबसे ज्यादा व्यूज आ जाए, एक दिन में 50,000 लाइक्स आ जाए, एक घंटे में 50,000 लाइक्स आ जाए, उसको सुपरस्टार कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर वन बादशाह है कि उससे कहेंगे जिसके गाने पे व्यूज आए, मूवी पे व्यूज आए, स्टेज शो पे व्यूज आए, इंटरव्यू पे व्यूज आए, जितने वीडियो आए यूट्यूब पे सब पे व्यूज आए, उसे सुपरस्टार कहेंगे? कमेंट करके बताओ। बाकी एक बात का क्लियरिटी मैं कर देना चाहता हूं कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइक्स किस मूवी को प्राप्त किया है? यहाँ पे एक ठो गाना आ जाता, ससुर तो हल्ला मचाने लगा, दुनिया कर दिया, दारी कर दिया, लकीर बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, खेसारी लाल यादव से नीचे चला, ऐसे सब कुछ जो है कमेंट किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं दिखाता। जब आती है बारी खेसारी लाल यादव की सच्चाई दिखाने की तो सबके फाट के दुधू हो जाता है, नहीं दिखा पाता है कि ये भी खेसारी लाल यादव का लकीर देखो। लेकिन भैया हम बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सवाल यही है कि बताओ भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला मूवी कौन सा है? तब आप लोग कहोगे नहीं निरहुआ हिंदुस्तानी पे सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसपे व्यूज है कितना व्यूज है 325 मिलियन व्यूज है। तो कहो कि सबसे ज्यादा व्यूज वही है, वही भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर वन मूवी होगा। तो नहीं रे गधा, ऐसा नहीं होता है। जिसके मूवी पे ज्यादा व्यूज होगा वो कैसे हो जाएगा नंबर वन मूवी? मूवी देखने के बाद पसंद आया कि नहीं आया, आदमी को लाइक किया कि नहीं किया, उससे पता चलता है। ज्यादा व्यूज आ जाने से मूवी जो है अच्छी नहीं होती है। तो बताना ये चाहता हूँ कि निरहुआ जी की मूवी जो है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 पे सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसपे है 325 मिलियन, और लाइक्स की बात किया जाए तो 361 के, यानी 9,00,000। मैं 361 कहां से कह दिया, खुसुक जाता है हमारा दिमाग में। 9,61,000 उस पे लाइक्स है, ठीक है? कहने मतलब है 325 मिलियन पे 9,61,000 लाइक्स है। वहीं पे बहुत लोग बोलेंगे पवन का नाम नहीं लिया, पवन सिंह भी तो बहुत मूवी निकालते हैं, तो ये लिस्ट में पवन सिंह नहीं आते। पवन सिंह अपना गाना रिलीज करे, 2,000-4,000 व्यूज लेके आए, मतलब 2,000-4,000 का मतलब मान लो 1-2 लाख व्यूज लेके आए, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन व्यूज लेके आए, वहीं में खुश रहे, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर वन सिंगर है, सिर्फ सिंगर है, बाकी वो किसी भी मामले में आगे नहीं है। तो बात किया जाए तो यहाँ पे पवन सिंह का भी एक मूवी का नाम ले लेते हैं जो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसका जो मूवी का नाम था मैंने उनको सजन चुन लिया है, आपको जो बोला सत्या है, तो मैंने उनको सजन चुन लिया पे सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसपे है 79 मिलियन व्यूज, सबसे ज्यादा व्यूज इसी मूवी पे है। उसके बाद में किसी भी कहने मतलब 100 मिलियन व्यूज नहीं गया है। यहाँ पे वही ललकी ललकी उड़निया, रे रे पुदीना धनिया, यही सब गाना रिलीज करके 2,000-4,000 व्यूज आता वही है। लेकिन बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर वन मूवी, मोस्ट लाइक्ड मूवी, तो शायद आप सबको नहीं पता है खेसारी भाई का महज 1 साल पहले आया था, महज 1 साल पहले, जिस मूवी का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ठीक है? सुपर हिट रहा मूवी, यूट्यूब पे अपलोड करते हुए 1 साल ना होते हुए उस पे तो 100 मिलियन व्यूज आ गए, ठीक है? उसके बाद में अगर उस पे लाइक्स देखा जाए तो केवल 1,16 मिलियन व्यूज पे, 1,16 मिलियन व्यूज पे लाइक बना है 8,84,000। कहने का मतलब इतना जबरदस्त कि मतलब यहाँ पे निरहुआ जी की मूवी को 3,25,000,000 325 मिलियन पे 9,61,000 लाइक्स मिलते हैं, ठीक है? कहने का मतलब तिगुना व्यूज आते हैं तब जाके इतना लाइक्स मिलते हैं निरहुआ जी की मूवी की, जहां की खेसारी भाई का मूवी केवल 1,16 मिलियन व्यूज है और उसपे लाइक्स बनते हैं 8,84,000। कहने मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की फिलहाल के टाइम पे नंबर वन मूवी किसी को मानेंगे तो वो मानेंगे दुल्हन वही जो पिया मन भाए, समझ गए? यहाँ पे पवन सिंह का कोई काम नहीं है, और चिंटू पिंटू निरुआ जो भी है समर किसी का भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव यहाँ नंबर वन है। और खेसारी लाल यादव ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हैं जिनके गाने पे भी व्यूज आएंगे, उनके स्टेज शो वाला वीडियो पे व्यूज आएंगे, उनके इंटरव्यू पे व्यूज आएंगे, उनके गाने पे व्यूज आएंगे, कुछ भी अपलोड कर दिया जाता है सब पे व्यूज आते हैं। तो सुपरस्टार कौन हुआ बताओ हाथ उठा के, खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनके सारे गाने पे हर एक वीडियो पे सब पे व्यूज आते हैं। बाकी समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज के लिए इतना है, चलते हैं, नमस्ते, बाय बाय टाटा, ठीक है, नमस्कार।